अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद सरकार ने घाटी में सुरक्षा की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर आतंकियों के खात्मे का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियों को अमरनाथ यात्रा में बिना रजिस्टर्ड वाहनों पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र ने अनंतनाग हमले में मारे गए लोगों के घर वालों को 7 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। सीएम रूपाणी ने मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आतंकियों के पास गौमांस होता तो कोई आतंकी नहीं बचता। अतिरेक्यांच्या जर का त्या बॅगेत दारूगोळ्याच्या ऐवजी गोमांस असतं तर अतिरेकी एक सुद्धा सुटला नसता। दिन के महासचिव ने अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। बांग्लादेश की पीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दुख की घड़ी में हम भारत के साथ हैं। कश्मीर के बड़गांव में मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान ने फायरिंग की। केरल के कुन्नूर में सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर आरएसएस दफ्तर पर बम से हमले का आरोप है। शाहरुख खान ने अपनी नई फिल्म जब हैरी मेट सेजल का छोटे पर्दे पर प्रमोशन किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रवि शास्त्री को टीम इंडिया का कोच बनाया है। जहीर खान को गेंदबाजी और राहुल द्रविड़ को विदेशी दौरे पर बैटिंग कोच बनाया गया है। आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन में पहुंचे स्वामी ओम को लोगों ने पीटा। आजमगढ़ में एक आदमी की हत्या के आरोप में उसके बेटे समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कश्मीर के शोपियां से आतंकी संगठन में शामिल होने की योजना बनाते 3 लोग गिरफ्तार किए गए। सीएम ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में जल्द ही अमन चैन कायम करने का दावा किया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए ऐसे हमलों को रोकने की मांग की। एमपी के नरसिंहपुर में मोबाइल की दुकान से फोन चोरी के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा। बड़ी खबर, केरल के कुन्नूर में आरएसएस के दफ्तर पर हमला और आगजनी हुई है। यह हमला कुन्नूर के पयनूर में आरएसएस के दफ्तर में हुआ। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमला सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह आगजनी है या फिर बम से हमला, ये फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जब यह हमला हुआ उस समय आरएसएस के दफ्तर में कोई नहीं था। 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में लोगों ने आज वलसाड बंद का ऐलान किया है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने 50 से ज्यादा की जान बचाने वाले बहादुर ड्राइवर सलीम को वीरता पुरस्कार दिलाने का वादा किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुताबिक गोरक्षकों को आतंकियों से लड़ने जाना चाहिए। सुरक्षा बलों ने अमरनाथ हमले के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी अबू इस्माइल की तलाश तेज कर दी है। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद लश्कर के आतंकी गुटों में 2 फाड़ होने की बात सामने आ रही है। गुजरात के पोरबंदर में समंदर में डूब रहे 6 मछुआरों को कोस्ट गार्ड ने बचा लिया। अफसर पर मछली फेंकने के आरोप में कांग्रेस नेता नितेश राणे गिरफ्तारी के बाद रिहा हुए। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद अयोध्या में सुरक्षा कड़ी की गई। एनजीटी ने दिल्ली सरकार और 3 एमसीडी से दिल्ली के नालों की सफाई को लेकर रिपोर्ट तलब की। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट पर नजर रखने के लिए गौतम बुद्ध नगर में वॉर रूम बनाया गया। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने लोकल ट्रेन में बच्ची को जन्म दिया। रेल मंत्री गुरुवार को एक ऐप लॉन्च करेंगे जिससे यात्रियों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी। चीन के गुआंगशी प्रांत में कई दिनों से लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ में एक पुल बह गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के मुताबिक मुन्ना माइकल में उनके डांस देखकर बेटी बोली बस करो पापा। दिल्ली के उत्तम नगर में 9 जुलाई को एक आदमी को गोली मारने का वीडियो सामने आया। श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के 3 ही फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया। मैथ्यूज ने 34 टेस्ट में कप्तानी की जिसमें 13 जीते जबकि 47 वनडे मैच में जीत हासिल की। असम में भारी बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने पर नाव सेवा रोकी गई।
बुलंदशहर में नाबालिग की रेप मामले में पंचायत ने 50,000 रुपए दिलवाकर फैसला करवाया। इलाहाबाद में थाने में बारिश का पानी जमा होने से कैदी कुर्सियों पर खड़े नजर आए। जनक दवे की बड़ी खबर, गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्यपुस्तक बोर्ड की हिंदी की एक किताब विवादों में आ गई है। चौथी कक्षा में पढ़ाई जा रही हिंदी की इस किताब में मुस्लिमों के पवित्र रोजे को एक संक्रामक रोग बताया गया है। इस विवादित किताब में लिखा है कि इस रोग में दस्त और उल्टी आती है। इससे पहले गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्यपुस्तक बोर्ड की 9वीं की किताब में जीसस क्राइस्ट के बारे में भी अपमानजनक बात लिखी थी। हालांकि बोर्ड इसे छपाई के दौरान भी गलती बता रहा है। जनक, ये तीसरी बार है जब ये इस तरीके के ही मामले सामने आए हैं। बिल्कुल अप्रीता, देखिए एक के बाद एक इस तरीके से तीन मामले सामने आए। इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार की ओर से, राज्य सरकार का जो पाठ्य पुस्तक मंडल है जो शिक्षा विभाग के अंदर में आता है, उसकी ये लापरवाही है। निश्चित तौर पे चूंकि ये तीसरा मामला है, क्योंकि इससे पहले जो 9वीं की किताब थी उसमें तकरीबन 900 गलतियां थी। उसके बाद जीसस क्राइस्ट के बारे में बड़ा बुरा कहा गया, जिसमें क्रिश्चियन समुदाय का भावनाएं आहत हुई थी। उसके बाद इस तरीके से रमजान के बारे में लिखा है तो मुस्लिम समुदाय की भावनाएं भी आहत हुई है। कल कई मुस्लिम गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ एनएसयू ने भी जिला शिक्षा अधिकारी के आगे इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया था और मांग की थी कि शिक्षा विभाग जल्दी अपनी जो ये गलती है उसको वो वापिस ले या फिर किताब वापिस ले। हालांकि अभी राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल ने ये जो पूरा मामला है वो राज्य सरकार को कहा है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग को फैसला लेना है कि आने वाले दिन में किस तरीके से इस पर कदम उठाए। चूंकि इसके पहले जब 900 गलतियां सामने आई थी तब जो प्रूफ रीडर थे उनका जो मेहनताना था या वेतन था वो रोक दिया गया था। ऐसे में इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है इस पर सबकी निगाह होगी। शुक्रिया जनक। महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीन से सीमा विवाद सुलझाने की उम्मीद जताई। तेजस्वी के सवाल पर जेडीयू ने कहा आरजेडी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए आरोपों का जवाब दे। सुशील मोदी के मुताबिक जेडीयू बैठक में नीतीश के मंत्रियों ने गठबंधन तोड़ने की सलाह दी थी। बिहार के नीतीश कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ईडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कालाधन सफेद करने के मामले में मीसा भारती से कल ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की। महाराष्ट्र के किसानों के कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस आज अभियान चलाएगी। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने राज्य के विकास, रोजगार समेत कई मुद्दों पर पीएम मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद में बिजली घर में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से पार्क में रहने वाले जानवर भी परेशान हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने घर में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। अरुणाचल प्रदेश के पामपुम पेड़ में जमीन खिसकने से 14 लोगों की मौत हो गई। सुभाष भामरे ने 1 महीने का वेतन महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के लिए दिया। महिला विश्व कप में आज भारत का मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। मौसम विभाग ने असम, मेघालय और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की आशंका जताई। भारत चीन में तल्खी के बीच मुंबई स्कूल एसोसिएशन ने चीन में बने सामान लाने पर रोक लगाई। अमेरिकी सेना ने मिसाइल भेजने वाली प्रणाली थार का सफल परीक्षण किया। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने हॉट फोटो शूट करवाकर टीजर इंस्टाग्राम पर शेयर किया। दिल्ली की अमर कॉलोनी में महिला की हत्या कर 10 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट लिए। पवन शर्मा की बड़ी खबर, जम्मू के पुंछ में बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की तरफ से किरनी और शाहपुर सेक्टर में मोर्टार दागे गए। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। शनिवार से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग की वजह से चकदे बाग के रास्ते पाकिस्तान से होने वाला व्यापार भी बंद पड़ा है। पवन, क्या ये फायरिंग अभी भी जारी है? हाँ, फायरिंग सुबह बंद हो गई है। रात को पूरी रात फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से शाहपुर और किरनी सेक्टर में जारी रही है। पाकिस्तान ने लगातार 3 दिन से पूरे इस इलाके में पुंछ सेक्टर में कई जगहों पर शेलिंग और मोर्टार फायरिंग करके, हैवी मशीन गन का फायर करके भारतीय सेना की पोस्टों को टारगेट किया है।
भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। बीती रात शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने देर रात फायरिंग शुरू की थी, जो सुबह 4 बजे तक दोनों इलाकों में लगातार पाकिस्तान ने फायर किया था। हालांकि नुकसान की कोई खबर नहीं है। शुक्रिया पवन। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से जत्था रवाना हुआ। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक यात्रियों पर हमला करने वाले न कश्मीरी थे न मुसलमान। सलीम खान ने आतंकी हमला करने वालों को कुरान और पैगंबर को ना मानने वाला बताया। अमरनाथ यात्रा के बाद दिल्ली आने जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यूपी के अलीगढ़ में खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत के बाद पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद कानपुर के अमरनाथ यात्रियों के परिजन परेशान हैं। गुजरात में 4वीं कक्षा की हिंदी की किताब में रोजा को संक्रमण रोग बताया गया। हिसार में भारत माता की जय नहीं बोलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इमाम की पिटाई की। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में स्वामी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर इंजन में फंसकर एक आदमी की मौत हो गई। नागालैंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 15 जुलाई तक विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा। कश्मीर के बड़गांव में रात भर चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर आतंकियों के खात्मे का फैसला लिया गया है। अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से अमरनाथ के लिए जत्था रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के विरोध में आज महाराष्ट्र के पालघर और गुजरात के वलसाड में बंद का ऐलान किया गया है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले का विरोध कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के हिसार में मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट की है। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने बीती रात फिर से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सीमा में फायरिंग की है। सीरिया की मानवाधिकार एजेंसी ने आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी के हवाई हमले में मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन अमेरिका का ऐसी जानकारी से इनकार। मुस्लिमों के पवित्र रोजे को संक्रमित बीमारी बताने वाली गुजरात राज्य विद्यालय पाठ्यपुस्तक बोर्ड की 4वीं क्लास की हिंदी की किताब विवादों में घिर गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच आज सुबह 11 बजे नीतीश ने बुलाई कैबिनेट की अहम बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लालू यादव की बेटी मीसा से पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय आज मीसा के पति शैलेश यादव से पूछताछ करेगा। सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर केरल के कुन्नूर में आरएसएस के दफ्तर में हमला और आगजनी करने का आरोप लगा है। पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री को टीम इंडिया का नया कोच चुन लिया गया, जबकि जहीर खान को गेंदबाजी कोच और राहुल द्रविड़ को सलाहकार बनाया गया है। भारत के साथ शुरू हो रही सीरीज से ठीक पहले श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के 3 फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार और फर्जी गौरक्षकों पर तंज कसते हुए उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर आतंकियों के बैग में गौमांस होता तो शायद कोई भी आतंकी नहीं बचता। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया से होना है और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया की जीत जरूरी है। दिल्ली के पौष इलाके अमर कॉलोनी में दिन दहाड़े 10 लाख की लूट और महिला की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे ने रूसी नागरिक के भेजे गए ईमेल जारी किए, जिसमें हिलेरी क्लिंटन के बारे में संवेदनशील जानकारी देने की पेशकश की गई थी। नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री को 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा है।